So hello everyone, welcome to the SAM, that is a study art motivation and education. And in this video I'm going to share the very important dental caries theory. ठीक है, theories के बारे में मैं आपको अलग से एक video बनाऊंगी. But Miller's acidogenic theory is a really really important theory. ये आपको पता ही होना चाहिए in dental caries की theories में. ठीक है, because इस पर 9 mark का question आपका long note में question आता है. ठीक है, so Miller's acidogenic theory पर आते हैं. Miller's acidogenic theory जो है, it was given by W. D. Miller in 1890. ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कीमो पैरासिटिक थ्योरी. अब ये स्टेटमेंट क्या देते हैं, ये बोलते हैं, ये जो मिलर साहब है ये बोलते हैं दैट डेंटल डीके इज अ कीमो पैरासिटिक प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ टू स्टेजेस, द डीकैल्सिफिकेशन ऑफ इनेमल विच रिजल्ट इन इट्स टोटल डिस्ट्रक्शन एंड द डीकैल्सिफिकेशन ऑफ डेंटिन एज अ प्रीलिमिनरी स्टेज फॉलोड बाय डिसोल्यूशन ऑफ द सॉफ्टेंट रेसिड्यूज. समझ में आया, नहीं आया अब आएगा. ठीक है, तो क्या बोला उन्होंने बेसिकली कि जो आपका डेंटल डीके है वो कीमोपैरासिटिक प्रोसेस की वजह से हो रहा है. ठीक है, आप उसके दूसरे नाम से समझ जाओगे, कीमोपैरासिटिक थ्योरी भी बोलते हैं इसे. तो कीमोपैरासिटिक प्रोसेस की वजह से हो रहा है. अब इसमें दो स्टेजेस होती है, उन्होंने दो स्टेजेस बताई. सबसे पहला डीकैल्सिफिकेशन ऑफ इनेमल, जिसमें क्या हो रहा है, टोटल डिस्ट्रक्शन हो रहा है. देन डीकैल्सिफिकेशन ऑफ डेंटिन, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इनेमल जाता है फिर डेंटिन जाता है किसी भी केस में, तो इनेमल पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया उसका. डीकैल्सिफिकेशन ऑफ डेंटिन इट इज कॉल्ड प्रीलिमिनरी स्टेज ऑल्सो. एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ द सॉफ्टेंट रेसिड्यूज हो रहा है. ठीक है, अभी आया समझ में. नाउ उन्होंने बताया कि कुछ फैक्टर्स हैं जो इसमें मेजरली इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, तो इसको है ना अपन ऐसे डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको अपन स्टोरी के फॉर्म में पढ़ेंगे. ठीक है, आप खुद से रिलेट करके पढ़ो. आप खाना खाओगे, ठीक है, खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है तो रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, अब अगर कुछ मीठा खाओगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके मुंह में रह जाएंगे थोड़े बहुत, कुछ ना कुछ, दिन भर में जितना भी खाते पीते हो कुछ ना कुछ रह जाता है. तो वो रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जहां पर भी खाना रह जाएगा वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक करेंगे. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वजह से एसिड प्रोड्यूस होगा. ठीक है, एंड एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से एसिड कब प्रोड्यूस होगा, जब वो जो आपका जो कार्बोहाइड्रेट की वजह से जो आपका कुछ क्या बोलते हैं खाने पीने की चीज आपकी दांत में फंसी रह गई. ठीक है, एंड कार्बोहाइड्रेट जो था, कार्बोहाइड्रेट कहां से आगे में, तो जो वो जो खाना फंसा हुआ था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उस पर अटैक किया. ठीक है, वो जिसकी वजह से फर्मेंटेशन होगा, फर्मेंटेशन की वजह से क्या होगा, एसिड रिलीज होगा. तो फिर आता है रोल ऑफ एसिड. ठीक है, एंड फाइनली क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा डेंटल प्लाक. तो रोल ऑफ डेंटल प्लाक हम ये देखने वाले हैं, बहुत इजी है, डोंट वरी. रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट में, अब इन्होंने रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो सिंपली आप जो भी खाना खा रहे हो उसमें कार्बोहाइड्रेट तो प्रेजेंट होगा ही. तो अब इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, तो इसकी कैरियोजेनेसिटी यानी कि जो केरीज बननी है वो किस वे में बनेगी, तो उसके फाइव क्राइटेरिया हैं. ठीक है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ इंजेक्शन. फ्रीक्वेंसी ऑफ इंजेक्शन यानी कि जब आप खाना खा रहे हो कितना तेज चबा रहे हो, ये डिपेंड करता है. ठीक है, फिजिकल फॉर्म, तो जैसे कि शुगर है मेनली फिजिकल फॉर्म में आपका शुगर आता है. केमिकल कंपोजिशन में अगर हम देखें तो सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, पॉलीसेकेराइड्स एंड डेक्सट्रिन आता है. ठीक है, इन सब की वजह से हो सकता है. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑब्वियसली अगर हम जो कभी कभी होता है ना ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज अपन इंट्रावीनस के थ्रू चढ़ाते हैं, तो यहां पर मेनली हम डेंटल की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी ओरल. एंड प्रेजेंस ऑफ अदर फूड कॉन्स्टिट्यूट, तो इसमें प्योर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट अगर ज्यादा होगा तो ये हो सकता है. नाउ रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आए. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में दो चीजें देखते हैं, इनिशियल एंड प्रोग्रेशन. ठीक है, इनिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देन प्रोग्रेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सबसे मेन किसकी वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स की वजह से होता है. ठीक है, नाउ हम इनिशिएशन ऑफ डेंटल केरीज देखते हैं, उसके बाद हम प्रोग्रेशन ऑफ डेंटल केरीज देखेंगे. इनिशिएशन ऑफ डेंटल केरीज किस किसकी वजह से होता है, तीन चीजें याद रखना, स्ट्रेप्टोकोकाई, लैक्टोबैसिलाई एंड एक्टिनोमाइकोसिस. ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई तो बिल्कुल मेन है, इसको तो याद रखना ही है. लैक्टोबैसिलाई, लैक्टोबैसिलाई कैसे याद रख सकते हो, दूध वूध पीते हो, चाय वाय पीते हो, ठीक है, तो उससे याद रख सकते हो. ठीक है, देन एक्टिनोमाइकोसिस. तो स्ट्रेप्टोकोकाई में स्ट्रेप्टोकोकाई म्यूटेंट्स, स्ट्रेप्टोकोकाई ये म्यूटेंट्स तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देन स्ट्रेप्टोकोकाई मलेरी माइक्योर सेंजियस एंड सेलाइवरीज. ठीक है, ये स्ट्रेप्टोकोकस सेलाइवरीज तो सेलाइवा में ही प्रेजेंट होगा. लैक्टोबैसिलाई की बात करें तो एसिडोफिलस और केशियस. अब ये किसमें हेल्प करेंगे, एसिड बनाने में हेल्प करेंगे. एक्टिनोमाइकोसिस में आ जाएगा आपका एक्टिनोमाइकोसिस विस्किस एंड एक्टिनोमाइकोसिस हेज ल्यूनडाई. ठीक है,
देन प्रोग्रेशन ऑफ डेंटल केरीज की बात करें तो अगेन स्ट्रेप्टोकोकाई ये क्या करेगा, डीप डेंटल केरीज और रूट केरीज बनाएगा, लैक्टोबैसिलस में यही दोनों रहेंगे, ठीक है। एंड एक्टिनोमाइकोसिस में क्या हो जाएगा, एक्टिनोमाइकोसिस इजराइली एंड एक्टिनोमाइकोसिस ओडोन्टोलिटिकेंस, ठीक है। रोल ऑफ एसिड, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो आ गए, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, फर्मेंटेशन का काम करेंगे, जैसे फर्मेंटेशन होगा क्या होगा, एसिड रिलीज होगा, तो पीएच जब 5.5 तक हो तो डीमिनरलाइजेशन होना, टूथ का डीमिनरलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ब्रेकडाउन ऑफ शुगर होगा, एसिड फॉर्मेशन होगा, तो ज्यादातर लैक्टिक एसिड और ब्यूटायरिक एसिड बनता है, ये याद रखना, ठीक है। नाउ इसको जो ये रोल ऑफ एसिड जो है ये स्टीफन साहब ने बहुत अच्छे से समझाया, इन्होंने कर्व के थ्रू समझाया, इन्होंने बताया है कि अगर आप अपने टूथ को ग्लूकोज से रिंस करोगे तो उस टाइम के लिए फॉर अप्रोक्सीमेटली 1 or 2 मिनट आपका जो टूथ का जो पीएच है वो बहुत ही कम हो जाएगा, यानी कि बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, एंड फिर विद इन 10 to 15 मिनट्स बहुत तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। तो ये कर्व के थ्रू आपको बता रहे हैं, जैसे आप रिंस करोगे तो ये देखो सडन डिक्रीज, ठीक है। तो आप 5 मिनट्स मान लो, ये वाला जो रेड से एरिया है ये यहां पर क्या हो रहा है, अपन ने टूथ को रिंस किया है, एंड देन आफ्टर 5 मिनट्स द पीएच लेवल विल बी इंक्रीजेस, और ये पीएच लेवल कहां तक जाएगा, 5.5 के ऊपर चला जाएगा। आप यहां पर देखो कहां तक जा रहा है, 6.34 मान लो, ठीक है। तो यहां तक जा रहा है तो क्या होगा, कैरियोजेनिसिटी बहुत जल्दी बढ़ेगी, क्योंकि पीएच जो है वो क्या बोलते हैं, आपका जो पीएच जो है वो 5.5 के ऊपर जा रहा है, यानी कि डीमिनरलाइजेशन बहुत जल्दी होगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द रोल ऑफ डेंटल प्लाक, ठीक है। डेंटल प्लाक कब बनेगा, अनक्लीन टूथ है, रात में ब्रश करके नहीं सोए हो तो यही होना है, डेंटल प्लाक बनेगा विद इन 24 to 48 आवर्स बन जाता है, ठीक है। इसीलिए 2 बार ब्रश करना जरूरी है। देन इट इज थिन फिल्म सलाइवरी कंपोनेंट होता है, जैसे कि म्यूसिन, इट इज मेड अप ऑफ मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑब्वियसली एंड इट डेवलप्स नेचुरली, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मिलर्स एसिडोजेनिक थ्योरी, बहुत ईजी है, जो खाना खाते हो ना उसी से रिलेटेड है, तो याद रहेगा ये। आई होप दिस वीडियो एड सम वैल्यू इन योर एकेडमिक्स, एंड इफ इट डज देन इट आई वुड बी रियली रियली ग्रेटफुल, एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।